अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी बर्थडे गुजरी है और मुझे मतलब जो सालगिरह वर्ड है उससे हमेशा से ही रहता है। बचपन से हम समझे सालगिरह सालगिरह, लेकिन एक सर्टेन एज पे आके मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये सालगिरह क्यों बोलते हैं और ये साल कहाँ गिरता है, किधर गिरता है, कैसे गिरता है, ये समझ नहीं आता था। क्योंकि अगर जो सालगिरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में या हमारे उसमें, और ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कल्चर से है, तो वहाँ बर्थडे मनाई जाती है। और बर्थडे को अगर मैं ट्रांसलेट करती हूँ तो पैदाइश का दिन बनता है या जन्मदिन जैसे बोलते हैं, पर ये सालगिरह क्या है? तो ऐसा मुझे बहुत हमेशा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोग जो हैं वो सालगिरह मुबारक बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि अरे क्या ही सालगिरह मनाए, एक साल और गिर गया करके ऐसे दुखी होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सालगिरह जो है ना, या जो होना तो पैदाइश का दिन चाहिए, सालगिरह क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो सालगिरह है ना वो इस तरह है जैसे हम बोलते हैं कि आधा गिलास भरा है या आधा खाली है, क्योंकि हर एक के अपने नजरिए के हिसाब से है, कॉन्सेप्ट इसका कुछ है नहीं। तो दैट्स मीन ये हराम हलाल वाला तो कोई है कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ, ये चीजें ऐसी चीजें इसलिए मना है कि पैसे का जिया है करके, और अगर लोग अपने हेल्प भी करते हैं और अपनी कहीं कुछ खुशी मनाते भी हैं तो उसमें कोई बुराई है नहीं। और बहुत सारी चीजों को इसलिए ही मना करते थे कि भाई आप कर रहे हैं, आप कर सकते हैं बर्थडे तो आप कर लेते हैं, पर कोई दूसरा जिसे आप इनवाइट करते हैं तो अगर वो उसकी इतनी मतलब इस्तेतात नहीं है, वो इतना दे नहीं सकता है, तो फिर उसे, क्योंकि आपने इनवाइट किया है तो उसे देना पड़ेगा। तो ऐसा सोच से नहीं मनाते थे बर्थडे। पर हाँ, घर में आप अपने लोगों में आपका होता है कि चलो थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं, या आपके अपने लोग आपको विश कर देते हैं, कोई कुछ देना चाहे तो अपनी खुशी से दे देता है, वो एक अलग बात है। लेकिन पूरा एक एहतमाम करना, बुलाना, ये सबका थोड़ा नहीं है तो इसलिए मना करते हैं। पर अगर कोई कर लेता है तो जो ऐसी ही बात है कि कोई ऐसे गुनाह में नहीं आ जाएगा कि उसके लिए कहीं दोजख जन्नत वाली मामला हो, ऐसा तो है नहीं। तो ये तो खैर एक अलग ही कॉन्सेप्ट, एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन जहां तक सालगिरह वर्ड का ताल्लुक है, वहां मुझे हमेशा ये इशू रहता था कि भाई ये बर्थडे का अगर मैं ट्रांसलेशन भी करूँ तो साल कैसे गिर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बर्थडे तो पैदाइश का दिन है, और फिर आपका साल गिरता, ये आपकी सोच है कि गिरता है। मुझे लगता है आपने एक साल और अचीव किया है अपनी जिंदगी में, आपने अर्न किया है, आपने एक साल और ज्यादा जिंदगी को एक्सपीरियंस किया है, आप और ज्यादा वाइज हुए हो। तो मैं इस तरह से देखती हूँ, तो जैसे मैंने बोला कि ग्लास आधा खाली आधा भरा वाली बात है, तो मैं आधा भरा देखती हूँ, आधा खाली नहीं देखती हूँ, क्योंकि जो मिल रहा है उसकी बात है। और फिर मैं दुखी क्यों हूं कि मेरा साल गिर गया, क्योंकि मुझे जिंदगी मिली है तो उसकी तो खुशी ही होती है। हमें कहते हैं कि जब आप रात को सोते हो, सुबह जब आपकी आंख खुलती है, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए कि आपको जिंदगी मिली है, दोबारा से एक और दिन मिला। तो फिर मैं अपनी जिंदगी का एक साल कम होने का क्यों दुख मिला मनाऊं, एक साल आगे आने की खुशी मनाऊंगी ना। तो वैसे तो हम कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बस अपनों अपने ही लोगों के साथ कुछ खा लिया, कुछ किसी ने दे दिया, या ज्यादा तो किसी ने विश कर दिया, उसी से खुश होते हैं। और तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इतने हार्श हो जाते हैं, इतना ज्यादा उस चीज को इश्यू बना लेते हैं, फिर बुरा भला कहते हैं। और पहले तो ये सालगिरह मेरे को नहीं समझ आता है, सालगिरता कैसे है। तो मुझे ऐसी, क्योंकि मेरी बर्थडे पे भी बहुत से लोगों ने विश किया, और फिर किसी की बर्थडे पे किसी ने ऐसे बोला कि अरे एक साल कम ही हो गया, तो कम कैसे हो, आप जी के रहे हो पूरा और आगे बढ़े हो, और वो जिया है पूरा, कम कैसे हो गया कि आपने जिए बिना गिर गया कहीं। तो मुझे वो चीज समझ नहीं आती है, आपने जिया है, आपने वो पूरा एक साल जो आप
आगे आए हो, वो जी कर आए हो उसमें, कितना अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि अगर उधर कहीं गलत हुआ है कुछ आपसे उस बीते साल में, तो वो आप आगे करेक्ट करने का आपको ऊपर वाले ने मौका दिया है, तो अपने में करेक्शन करो, अपने जो मौका आपको मिल रहा है आगे जाने का उसमें अपने में करेक्शन सही, और जितना और आगे आप, क्योंकि आपको वो एक और मौका मिलता है ना, तो आप अच्छा कर सको जितना ज्यादा वो करना चाहिए, खुश होना चाहिए। मनाना नहीं मनाना एक अलग बात है, बट वो जो एक साल गिरा वाली बात है ना, वो मुझे बहुत अजीब लगती है, जो लोग ये सोचते हैं कि वो गिर गया कहीं। अरे भाई, इतना कुछ अचीव करके आए हो, लाइफ ने तुम्हें फिर मौका मिला है। मुझे तो लगता है, मैं तो बहुत ही खुश होती हूँ कि भाई मुझे ना एक साल मेरा बड़ा है, ये मेरी एक्चुअली तो पैदाइश का दिन है, तो मैं अपने दुनिया में आने की खुशी मनाती हूँ, खुद के साथ खुशी होती हूँ, खुद खुशी मनाती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने ये जिंदगी दी है। ऐसा भी होता है कि बच्चा अंदर पेट में ही मर जाता है, कुछ पैदा होते ही मर जाते हैं, तो बहुत सारे स्टेजेस पे लोग आते हैं और चले जाते हैं और उन्हें ये मौका नहीं मिलता है, लेकिन हमें वो मौका मिलता है जहाँ हमें जो यहाँ भेजा गया, तो उसके पीछे कोई तो मोटिव है। ऐसे नहीं भेजा कि एंजॉय करो, जाओ तुम अच्छे हो तुम जाके एंजॉय करो। डेफिनेटली हमें भेजा है कि हम अपने रब को प्रेस कर सकें, उनका पैगाम लोगों तक पहुँचाएं और अच्छाई को स्प्रेड करें, मोहब्बतों को मोहब्बत फैलाएं, मोहब्बत लेके चलें और दुनिया में जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें, क्योंकि वो हम अर्न करते हैं और हम साथ लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ तो हमारे साथ और जाता नहीं है, हमारे अच्छे बुरे अमाल ही हमारे साथ जाते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों जब भी कोई साल गिरा वर्ड बोल के साल गिरा का ये एहसास दिलाता है कि क्या ही मनाएं, क्या ही साल गिरा, एक साल कम हो गया, एक साल गिर गया, तो मुझे ऐसे लगता है ये बड़े ना जो है ना शुक्रे लोग हैं, क्योंकि ये खुश नहीं रहने वाले लोग हैं, ये हर चीज की सेट साइड देखते हैं, ये हर चीज की जो कहते हैं ना खुशी वाली साइड नहीं देखते हैं। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, तो हमें उन्हें भी बताना चाहिए कि हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें ये जिंदगी दी है, और हम बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और अच्छा करना भी चाहिए हमें, और उन्हें भी पता चले कि हाँ उन्होंने हमें दिया है, तो हम ना कुछ ना शुक्रे नहीं है, और जो हमें होना भी चाहिए, अल्लाह ताला को ना शुक्रे लोग नहीं पसंद है, शुक्रगुजार खुश होने वाले लोग पसंद हैं, जो जैसी भी जिंदगी मिली है उसके लिए थैंक यू हूँ उनसे कि आपने हमें ये दिया है। तो पता नहीं भाई सालगिरह का क्या कॉन्सेप्ट है, और सालगिरह से इतना लोगों को साल गिरने का इशू क्यों होता है। भाई आप वाइज हुए, एक साल और एक्सपीरियंस्ड हुए हैं, एक कदम जिंदगी में और आगे आए हैं, तो खुश रहा करें और शुक्रगुजार हुआ करें, अपने रब का शुक्र अदा किया करें कि उन्होंने आपको इतनी बेहतरीन इतनी जिंदगी दी है। और तो बस मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा होता है कोई चीज़ मेरे सामने आती है ना, तो फिर वो मुझे हिट करती है और मुझे होता है कि मैं इस पर बात करूँ। मुझे नहीं पता होता है कि कोई मुझसे अग्री करेगा, डिसएग्री करेगा, मुझे मेरी बातों को बकवास समझेगा या खुश होगा, वो सब मुझे नहीं पता होता। पर मेरे मन में अगर कुछ आता है ना, मेरा मन चाहता है मैं बोल दूँ। अगर किसी को अच्छा लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो क्या ही है मेरा तो मन से निकल जाएगी ना वो बात। तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर आप मेरे से अग्री करते हैं या डिसएग्री भी करते हैं, या आप क्या समझते हैं कि क्यों साल गिरा वर्ड कहाँ से आया और क्यों है, जैसे लोग बोलते साल गिर गया मैं तो उसको नहीं मानती हूँ, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और प्लीज मुझे कमेंट से बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि बर्थडे का मतलब तो पैदाइश का दिन है, तो ये साल गिरा क्या है। ओके, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।